Zubillahi minash shaitani wazim, Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj hum Uttar Pradesh ki baat karne ja rahe hain, jahan par All India Majlis Ittehad ul Muslimin party bahut badi mazbooti ke saath Uttar Pradesh ke Vidhan Sabha election ko lekar aage badh rahi hai. To dusri taraf Shaukat Ali sahab ne ye kaha hai ki Azamgarh zile mein Majlis Ittehad ul Muslimin party ki ek jansabha hogi, jahan par karodon ki tadad mein Majlis Ittehad ul Muslimin party ke chahne wale आजमगढ़ की सरजमीन पर जमा होने के लिए अभी से ही वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों में उत्तर प्रदेश में इजाफा हो रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती है, लेकिन जिस तरह से मजलिस वहां पर अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और सियासी जमीन तलाशने के बाद मजलिस वहां पर अपने गढ़ में जाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर बना रही है, आज उसी का यह नतीजा रहा कि नगर पंचायत इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवारों को मजलिस ने वहां पर शिकस्त देकर अपने वहां पर परचम को लहराया है और जिस तरह से अब मजलिस पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत बनकर उभर रही है और मुसलमानों की, दलितों की, मजलूमों की रहनुमाई करते हुए वहां पर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए मजलिस का वहां पर दिखाई दे रहा है और जिस तरह से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर एक नई राजनीति को उत्तर प्रदेश में जन्म दे रहे हैं और दूसरी तरफ संकल्प भागीदारी मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब लगातार अखिलेश यादव के चचा से बातचीत करके उनको भी संकल्प भागीदारी मोर्चा में शामिल करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही चंद्रशेखर आज़ाद जो नौजवानों के लीडर हैं और नौजवानों के अंदर बहुत अच्छा खासा उनका दबाव है, तो वो भी संकल्प भागीदारी मोर्चा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आने के लिए हामी भर दिए हैं और 27 तारीख को वह संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ जुड़ेंगे, तो आप सब मिलकर ऐसे ही मजलिस का साथ दें, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाए और ऐसे ही अपने दामन को मजलिस के साथ और मजबूत करें, और क्योंकि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के इरादे से उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। आपने देखा ही होगा कि लगातार कांग्रेस के लोग अब मजलिस को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बीजेपी के एजेंट ऐसी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन बातों को आप इग्नोर करें और मजलिस का साथ दें और ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई खबरों को देखने, जानने, पहचानने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।